इंडिया में रहकर यूएसए में बैंक अकाउंट ओपन करने के कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मर्क्यूरी, रिले, पेयोनियर एक्सेट्रा। मर्क्यूरी के लिए मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मर्क्यूरी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिले में बैंक अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस मैं लाइव करूंगा, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और पूरा प्रोसेस कैसा रहता है, ये सब आपको दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित चंदेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, कुछ ऐसा दिखता है रिले का होम पेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर बैंक विद रिले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जिससे इनके प्लेटफॉर्म पर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बैंक एप्लीकेशन इसके बाद स्टार्ट होता है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालते हैं। यहाँ आप डालेंगे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद डालना है लास्ट नेम, फिर आपको डालना है अपना नंबर। यहाँ आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना नंबर डाल सकते हैं। फिर आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर ये पूछ रहा है आर यू एन अकाउंटेंट और बुककीपर, यहाँ आपको नो कर देना है। अब लॉगिन डिटेल्स में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ आई अग्री पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपका बैंक अकाउंट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालना है। फिर ये पूछ रहा है आर यू एंड ऑल अदर बेनिफिशियल ओनर्स US रेसिडेंट्स, मतलब आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स सब लोग US रेसिडेंट्स हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ आपको नो कर देना है। अगर आपका कोई पार्टनर US का रेसिडेंट है तब भी आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग US के हैं तभी यस होगा। कोई एक भी अगर इंडिया से या वर्ल्ड में कहीं और से है तो आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे, अपनी कंट्री, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। यहाँ आपको अपना पोजीशन या टाइटल डालना है, जो आपकी कंपनी में आपने चूज़ किया होगा, सीईओ, प्रेसिडेंट या जो भी। तो मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस अवेलेबल नहीं है। और मैं मानता हूँ कि बैंक अकाउंट यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस ओनर्स ही ओपन कर रहे होंगे, बट यहाँ पर बिज़नेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको जो भी बेस्ट सूटेबल होगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गिग वर्कर या फ्रीलांसर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अब ये क्वेश्चन है विच सोर्स ऑफ इनकम इनिशियली हेल्प्ड यू टू गेट योर बिजनेस अप एंड रनिंग। तो यहाँ आप अपना डाल सकते हो कि आपने बिजनेस से अर्न किए हैं पैसे या फिर जहाँ से भी। तो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट इनकम सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आती है। योर पर्सनल एनुअल इनकम, तो आपकी जो ऑलरेडी इंडिया में इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ओनर्स पर्सनल एड्रेस, यहाँ आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया या जहाँ से भी आप हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। जो आपका पर्सनल एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना है। एड्रेस डालने के बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो टाइप ऑफ बिजनेस LLC है या फिर सी कॉरपोरेशन है, जो है सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको USA में बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और हम आपकी हेल्प कर देंगे यूएसए में बिजनेस फॉर्मेशन से रिलेटेड। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर लीगल बिजनेस नेम डालना है आपको अपना, इन्फोटेक LLC डाल दिया मैंने। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका EIN है वो आपको यहाँ पर डालना है। अब आपके बिजनेस की जो इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट की होगी फॉर्मेशन के टाइम पर वो यहाँ से ढूंढ कर डाल देनी है। अगर वो इसमें अवेलेबल नहीं हो तो जो भी मोस्ट रिलेटेबल लगे आपको वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं इंडिया में वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ आपको मंथली रेवेन्यू डालना है अपनी कंपनी का, तो ये मैंने ऐसे ही अभी स्टार्टिंग में इतना ही डाल दिया है क्योंकि स्टार्टअप है तो आप कितना भी डाल सकते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो यहाँ आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आई एम अ न्यू कंपनी माई कैश फ्लो फ्लक्चुएट्स। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस्टेब्लिश बिजनेस, बट वो फिर उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है कि आप अपना कैश फ्लो प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो मैं तो सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पर न्यू कंपनी सजेस्ट करता हूँ सबको। डू यू प्लान टू यूज रिले फॉर दी प्रॉफिट फर्स्ट कैश मैनेजमेंट मेथड, यहाँ मैं नो कर देता हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है। अभी आपका बिजनेस एड्रेस मांग रहा है, यहाँ पर आपकी जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होता है उसका एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ ऑप्शन है यूज़ दिस एज माई मेलिंग एड्रेस, मतलब जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है वही आप मेलिंग एड्रेस की तरह यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपको इसको चेक कर देंगे तो ये वही उसी को मेलिंग एड्रेस कर देगा, इसको अनचेक कर देंगे तो आपसे मेलिंग एड्रेस अलग से मांग लेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना मेलिंग एड्रेस इंडिया वाला एड्रेस डाल दीजिए, जिससे कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब डिलीवर होगा तो डायरेक्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, रजिस्टर्ड एजेंट के पास नहीं जाएगा। वरना क्या होगा, पहले रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाएगा, फिर वहाँ से आपको कोरियर करवा के इंडिया मंगवाना पड़ेगा, तो आपको कोरियर चार्जेस भी एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड एजेंट को पे करने पड़ेंगे। तो इसमें आप डायरेक्टली डाल दीजिए तो बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके घर पर ही डिलीवर हो जाएंगे। अब ये पूछ रहा है स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जिस स्टेट में भी आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर टेक्सास सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस ईयर में भी बनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट कंट्रीज डू यू ऑपरेट इन, तो आप यूएसए में करते हैं या यूएसए के बाहर भी ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर करेंगे तो ये आपसे अदर कंट्रीज़ के भी नाम पूछेगा, तो यहाँ पर आप अदर कंट्रीज़ के नाम डाल सकते हैं। और अगर खाली US में ऑपरेट करते हैं तो इसको क्रॉस कर दीजिए और खाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर दीजिए। अब बिजनेस वेबसाइट डालनी है आपको अपनी। अगर वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो दिस बिजनेस डज नॉट हैव अ वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर से वेबसाइट गायब हो जाएगी। अब ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस ऑपरेशंस, यहाँ आपको अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन डालना थोड़ा। फिर यहाँ डालना है योर ओनरशिप परसेंटेज, तो अगर यहाँ पर आप 50% डालेंगे तो बिजनेस ओनर इन्फॉर्मेशन में वो दोनों की इन्फॉर्मेशन डलवाएगा। आप 100% डाल देंगे तो देखिए वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो ये ऑलरेडी ले चुका है, तो अगर आप यहाँ पे 50-50 या जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उन सब की आगे मांग लेगा। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो 100% डाल दीजिए, या जितने भी पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। अभी आती है कार्ड डिटेल्स, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके कार्ड पर क्या नाम लिखवाना है, आपको कंपनी का नाम लिखवाना है कि नहीं लिखवाना, अपना नाम लिखवाना है, एड्रेस लिखवाना है कि नहीं लिखवाना, जो भी एड्रेस लिखवाना है वो सब यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड आएगा और एक SMS आ जाएगा आपके नंबर पर जो आपने डाला था, जहाँ से आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, यानी कि KYC टाइप करनी है। अपने पासपोर्ट का फ़ोटो क्लिक करके डालना होगा और अपनी एक सेल्फ़ी लेनी होगी।
तो ये प्रोसेस जल्दी से निपटा लेते हैं। तो जैसे ही आप सेल्फी लेंगे आपका प्रोसेस डन हो जाएगा और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये वेरिफिकेशन कोड डालने के लिए बोल रहा है, ये भी आपके नंबर पर डिलीवर हो गया होगा, तो यहाँ से लेकर हम नंबर डाल देंगे और रिमेंबर माई डिवाइस फॉर 30 डेज़ पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे बार बार ना मांगे ये। नेक्स्ट, फ़ोन वेरिफिकेशन हो गया मेरा। योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग रिव्यूड, मेरी एप्लीकेशन ही डायरेक्ट सबमिट हो चुकी है। अब अगर इनको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो ये आपको ईमेल करके मांग लेंगे, बट जहाँ तक है नहीं मांगेंगे। यहाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है अपनी कंपनी की और अपनी, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए। बट इनकेस अगर ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपसे, तो आप अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, तो उस ईमेल में ये एक लिंक देंगे, उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे होंगे वहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए आपका एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से बनकर आता है आपके डैशबोर्ड में। जब भी आप रिले में लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से लिख कर आएगा यहाँ पर। आपके अगर एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए दोबारा एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया। तो अगर आपका एप्लीकेशन हो गया है तो वेल एंड गुड। उसके बाद इन्होंने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जाने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये वीडियो पार्ट है एक वीडियो सीरीज़ का जिसका नाम है बिजनेस इन USA फ्रॉम इंडिया। तो अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने हर चीज़ के लिए एक वीडियो बनाकर डाल रखा है और आगे भी डालता रहूँगा, तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।